मित्रों नमस्कार, मैं श्रवण कुमार कृष्णकांत के साथ गुरु तेला चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज एक रस्सी का हम जबरदस्त जादू आपके सामने लेके आए हैं। इस जादू को आप कहीं भी दिखा सकते हो, आप कहीं भी कितनी भी भीड़ में दिखा सकते हो, घर में दिखा सकते हो, बाहर दिखा सकते हो, स्टेज पे दिखा सकते हो। ये रस्सी का जादू मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे पास एक रस्सी है, इस रस्सी पे मैं गांठ लगा रहा हूँ। ये इस रस्सी पे मैंने गांठ लगा दी है, ये रस्सी पे मैंने गांठ लगा दी है, ध्यान दीजिएगा एकदम। और इस रस्सी को मैं यहाँ पे रख दिया। अब मेरा हाथ है, इस हाथ को मैं रस्सी के बीचों बीच रख रहा हूँ और अब इस पे जादू लगा रहा हूँ। ये देखिए, इस रस्सी को इधर से अंदर लिया और इसको इधर से अंदर लिया। अब ये रस्सी मेरे हाथों में फंस गई। अब इस रस्सी पे मैं जादू लगा रहा हूँ, गिली गिली छू, गिली गिली छू, गिली गिली छू, ये रस्सी बाहर आ गई। अब मित्रों, ये रस्सी बाहर कैसे आई? अब चलते हैं आज के सवाल पे। आज का सवाल है बम बम भोले। आज शिवरात्रि का दिन है और आज भगवान शिव के दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम गणेश भगवान सभी जानते हैं, दूसरे पुत्र का नाम क्या है? इस रहस्य जानने से पहले पहले कमेंट बॉक्स में भगवान शिव के दूसरे पुत्र का नाम लिखिए। तो मित्रों, अब आते हैं हम इस जादू के रहस्य पर। ये एक रस्सी है, नाड़े की रस्सी है, कहीं भी आपको उपलब्ध हो जाएगी। इस रस्सी को क्या करना है, पहले आपस में गांठ लगा लीजिए। इस रस्सी पे मैंने गांठ लगा ली है, ये देखिए, इस रस्सी पे आप अच्छी तरह गांठ लगा दीजिए। ये रस्सी पे गांठ लगा दी। अब आपको क्या करना होगा, इस रस्सी को यहाँ नीचे रखना है। रख लिया। अब आपको क्या करना है, अपनी हथेली इसके ऊपर रखनी है, ठीक है। अब क्या करना, सबसे पहले आपको ये जो ऊपर से जो रस्सी आई है, इस रस्सी के ऊपर से उसको यहां से पकड़ना और अंदर डाल देना। और दूसरा क्या करना होगा, इधर से ये जो इधर वाला हिस्सा है इसको आपको पकड़ना है और यहां से घुमा के यहां पे डाल देना। अब आपकी रस्सी आप ऊपर से आराम से पकड़ लो और नीचे ये रस्सी ऐसे रहेगी खाली, और इसको आप जैसे ही आप ऊपर करोगे ये रस्सी बाहर निकल जाएगी। इस जादू का इतना ही रहस्य है, आप समझ गए होंगे। और अब आते हैं पहली के जवाब में। भगवान शिव के दूसरे पुत्र का नाम भगवान कार्तिकेय जी और पहले पुत्र का गणेश भगवान है, सब जानते हैं। तो ठीक है, तो मित्रों हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मेरा और कृष्णकांत का आपको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।